Hello friends, myself Jitath Pitroda. Today I am presenting the Sihanath Gugulu. तो सबसे पहले हम इनके इनग्रीडियंट्स के बारे में देखेंगे. शुद्ध गुगलू 320 ग्राम, सरसपा तेल 320 ml, त्रिफला कोर्स पाउडर 1920 ग्राम, वाटर 15.36 लीटर. चूर्ण द्रव्य में त्रिकटु चूर्ण और त्रिफला चूर्ण 60 ग्राम की मात्रा में, मुस्ता चूर्ण, विडंग चूर्ण, देवदारू चूर्ण, गुडुची चूर्ण, चित्रक मूल चूर्ण, त्रिवृत मूल चूर्ण, दंती मूल चूर्ण, चव्य चूर्ण, सूरण चूर्ण और मानक चूर्ण, ये सभी चूर्ण 20 ग्राम की मात्रा में. रस द्रव्य में शुद्ध पारद 20 ग्राम, शुद्ध गंधक 20 ग्राम, धतुरा फल चूर्ण 100 NOS यानी कि 100 की संख्या में धतुरा फल लेने हैं. उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन. शुद्ध गुगलू शुड बी पॉन्डेड विद सरसपा तेल एंड त्रिफला क्वाथ प्रिपेयर्ड फ्रॉम त्रिफला कोर्स पाउडर एंड वाटर रिड्यूस टू क्वार्टर बाय बॉइलिंग. यानी कि शुद्ध गुगलू को सरसपा तेल और त्रिफला क्वाथ के साथ मिक्स करना है. आफ्टर फिल्टरिंग इट इज अगेन हीटेड एंड एट द एंड फाइन पाउडर्स ऑफ चूर्ण द्रव्यास आर एडेड. यानी कि इन तीनों द्रव्यों को छानने के बाद फिर से गर्म करना है और आखिर में सूक्ष्म चूर्ण को ऐड करना है. ऑन शेल्फ कूलिंग कजली प्रिपेयर्ड फ्रॉम शुद्ध पारद एंड शुद्ध गंधक अलोंग विथ धतुरा फल चूर्ण आर मिक्स्ड. यानी कि शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक की कजली बनाने के बाद धतुरा फल का चूर्ण ऐड करना है. प्रिपेयर इट्स पिल्स ऑफ 2 ग्राम्स बाई वेट यूनिफॉर्मली एंड ड्राई देम इन शेड. यानी कि 2 ग्राम की पिल्स बना के उसको सुखानी है. ऑन ड्राइंग दिस शुड बी स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल्स. यानी कि सुखाने के बाद सारी पिल्स को कांच की बोतल में रख देनी है. दिस प्रिपरेशन इज नोन एज श्रीनाथ गुगलू एंड इट क्रशिज द हॉटिनेस ऑफ एलिफेंट लाइक डिजीजेस एंड इज लाइक एम्ब्रोशिया. यानी कि इन सारी प्रक्रिया से सिंहनाद गुगलू बनता है जो कठिन से कठिन रोग को भी ठीक कर दे ऐसा अमृत समान है. उसके बाद डोसेज और अनुपान. डोसेज में है 1 pill और अनुपान में कोष्णजल यानी कि ल्यूक वार्म वाटर के साथ लेना है. उसके बाद इंडिकेशंस यानी कि कौन से रोग में इसका उपयोग होता है. इंडिकेशन से आमवात, शिरोवात, दारुण संधिवात, चानुजंगाश्रितवात, कटिग्रह यानी कि लो बैक पेन, अश्मरी यानी कि किडनी स्टोन्स, मूत्रकृच्छ यानी कि डायसूरिया, भग्न यानी कि फ्रैक्चर, तिमिर यानी कि ब्लाइंडनेस, उदर, अम्लपित्त, कुष्ठ यानी कि स्किन डिजीज, प्रमेह यानी कि डायबिटीज मेलिटस, गुदानिर्गम यानी कि प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम, 5 टाइप्स ऑफ कास, श्वास, क्षय, विषम ज्वर, प्लीहारोग, श्लीपद, गुल्म, पांडुरोग, कामला यानी कि जॉन्डिस, शोथ, आंत्रवृद्धि, शूल, अर्श यानी कि पाइल्स और मेद कफ आम संघात रोग, इन सभी रोगों में इसका उपयोग होता है. उसके बाद आमयिक प्रयोग. बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिंहनाद गुगलू वात रक्त, गुल्म, शूल, उदर, कुष्ठ एंड एक्सट्रीमली अफेक्टेड आमवात कैन बी क्योर्ड. यानी कि इसके प्रयोग से वात रक्त, गुल्म, शूल, उदर, कुष्ठ तथा कठिन से कठिन आमवात रोग दूर होता है. बाय द रेगुलर ऑफ दिस गुगलू वन कैन गेट रिलीफ फ्रॉम द डिजीज लाइक आमवात, पक्षाघात, संधिवात एटसेट्रा. यानी कि नियमित रूप से इस गुगलू का व्यवहार करने से आमवात, पक्षाघात, संधिवात आदि रोग ठीक होते हैं. दिस गुगलू इज बेस्ट फॉर आमवात. यानी कि आमवात की यह श्रेष्ठ औषध है.